केसरिया वालों आओ हमारे देश। एक दो घंटे में आ जाऊंगा, अब तक ना आए। आगे है काम के आगे मारे को भी भूल गए। तुम्हें कैसे भूल सकता हूं, अपने दिल को भी कोई भूल सकता है क्या? अच्छा ये मारे को क्या हो रहा है? आवरी तो ना हो रही हूं मैं शायद। आप मारे को सताना बंद करो वरना। वरना क्या? कुछ नहीं, इतनी याद आ रही थी मेरी। हाँ तो अच्छा आप दोनों का हो गया हो तो मैं आंखें खोल दूं। मुमल अब तेरे भाई साहब की शादी हो गई, नॉक करके अंदर आकर। आप दरवाजा बंद करके ये सब नहीं कर सकते थे? तुझसे कोई बहस नहीं कर सकता, चल अंदर आ। भाई साहब मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ याद है मुझे, बोलना। भाई साहब मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। क्यों, रसाल के सामने बात करने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं भाई साहब, भाभी साहब के सामने बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात मेरे लिए इतनी जरूरी है कि शायद मैं भाभी साहब के सामने खुल के ना कह पाऊँ, इसलिए प्लीज आप मेरे कमरे में चलकर मेरी बात सुनिए प्लीज भाई साहब। आप जाइए, मैं आपके वास्ते चाय बिछवाती हूँ। थैंक्स भाभी साहब। मुमल अब बता भी। वो भाई साहब मैं वो आई एम इन लव भाई साहब। प्लीज भाई साहब एक बार मेरी बात पूरी तरह से सुन लीजिए। बचपन से हम दोनों भाई बहन कम और दोस्त ज्यादा रहे हैं, शायद इसलिए मैंने आपसे आज तक कोई भी बात नहीं छुपाई और ना ही आपने। तो फिर इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई तुमने? मैं आपको बताना चाहती थी, ट्रस्ट मी, लेकिन मौका ही नहीं मिला। कौन है वो? वो भाई साहब मोहित सिंह। बेनी प्रताप सिंह का बेटा? हम दोनों कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे और तब से एक दूसरे से प्यार करते हैं। और तो फिर ये रिश्ता मांगने का झूठा नाटक करने की क्या जरूरत थी? मुझसे या पापा साहब से आके सीधा सीधा बात कर लेती। किसका आइडिया था ये?
मेरा, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये रिश्ता दोनों परिवारों की मंजूरी से हो, लेकिन फिर दादी सा ने कुंडलियों की शर्त रख दी और इस रिश्ते को नामंजूर कर दिया। इसलिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है भाई साहब। आप मेरी मदद करेंगे ना भाई साहब? बोलिए ना भाई साहब, आप मेरी मदद करेंगे ना? नहीं। लेकिन भाई साहब, बस जितना बोलना था तो बोल चुके हैं। अब जो मैं कह रहा हूं वो सुनो। आज के बाद तू उस लड़के से कभी नहीं मिलेगी। तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां तुम्हारी कुंडली मिलेगी, और उसी लड़के से होगी जिसे दादी सा और ताया सा तुम्हारे लिए पसंद करेंगे। मैं जानता हूं अमल, मेरी ये बात सुनकर तुझे दुख हुआ होगा, पर ट्रस्ट में, जिस दिन तेरी किसी सही लड़के से शादी हो जाएगी ना, उस दिन तुझे एहसास होगा कि आज जो तेरे भाई ने तेरे लिए किया है वो कितना सही है। उमल, अब मैं सिर्फ तेरा भाई सा नहीं, इस खानदान का ठाकुर भी हूं, और अब मुझे इस खानदान की भलाई के बारे में भी सोचना होगा। ठीक है, आप मेरी मदद नहीं करना चाहते तो ना सही, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरा इरादा अटल है। सिर्फ एक बात याद रखिए भाई साहब, ठाकुर होने के नाते जिस खानदान की भलाई की आप बात कर रहे हैं, उसी खानदान की नाक जब इसलिए कट जाएगी कि मैंने और मोहित ने भाग के शादी की, तो उसकी जिम्मेदार मैं नहीं, आप होंगे भाई साहब। मुमल, जरूर मारे ही संस्कारों में कोई खोट रह गई होगी। अपने आप को दोष ना दो कमल, अपनी औलाद हमेशा ये समझे कि मारे माता पिता मारे को इतना प्रेम करें कि मारी कोई बात टाल न सके, और इसी वास्ते हमारी दी हुई आजादी का, हमारे विश्वास का गलत फायदा उठावे। अब मारी समझ में आवे है मुमल को क्यों लाइब्रेरी जाने की इतनी उतावली मची रहती थी, और मैं गेली जे समझ भी ना पाई कि मारी छोरी मारे से झूठ बोले है। मुमल हम सबसे झूठ बोलती रहे, और हम उसे घर की लाडली समझकर उस पर विश्वास करते रहे, इसलिए मन ने फैसला कर लिया है कि मुमल को आज के आज ही बिमला जी जीसा के पास दिल्ली भेजो जावे। अगर तुम दोनों को गलत ना लगे है तो रणवीर भी अभी ठाकुर है, और मैं कोई भी फैसला अकेले ना लेना चाहूं। नहीं था ऐसा, फैसला आप ही लेते आए हैं और आप ही लेंगे हमेशा, और घर के सभी लोग बिना सवाल करे आपका फैसला मानेंगे भी। रणवीर ठीक कह रहे हो, मारे बीन ने हमेशा आप रे फैसले का मान कियो, मैं और मारे बच्चे मरते दम तक इस प्रथा को चलावेंगे। मुमल दिल्ली जरूर जावेगी, यही उसके लिए अच्छा है और इस खानदान के लिए भी। मुमल, अब मुंह काहे छिपा रही है? मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए मुझे अपना मुंह छिपाना पड़े।
अपने खानदान की इज्जत उछालने के बाद भी थारे में इतनी हिम्मत है कि तू अपनी माँ सास से सवाल पूछ सके? जब एक माँ ही अपनी बेटी को समझने में गलती करे तो सच बताने की हिम्मत तो करनी ही होगी ना। और सच यही है कि मैं मोहित से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। जब मैंने थारे से थारे ब्याह की बात की तब तूने अपने पापा साह की यादों का वास्ता देकर ये कह दिया कि थारे को अभी ब्याह नहीं करना है। अगर तू अपने स्वर्गवासी पापा का बहाना करके अपनी माँ को धोखा दे सके है तो कुछ भी कर सके है। थारे को दिल्ली जाना ही पड़ेगा। नहीं मासा, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया और ना ही पापा साह का बहाना बनाया है। मैं मोहित के बगैर जी नहीं पाऊंगी मासा, मैं मर जाऊंगी। तो मैं थारा भी शोक मना लूंगी, पर थारे को इस हवेली के रीति रिवाजों को लांघने ना दूंगी। चार किताबें पढ़ लिखने से तू इतनी समझदार नहीं हो गई है कि अपनी दादी सा का विश्वास तोड़ सके, कुंडली और ग्रहों को छुटला सके। मैं बस इतना ही कह रही हूँ कि इस कुंडलियों की जाल में फंसकर मेरी खुशियों का गला मत घोटिए, मुझे मोहित से शादी कर लेने दीजिए। थारी दादी सा का हुक्म ना मानने की परंपरा ना है इस हवेली में। थारे ताया सा ने फैसला ले लियो है और रणबीर को और मारे को मंजूर है। लाइब्रेरी जाने के बहाने ये छोरी उस छोरे से छुप छुप कर मिलती रही। अरे सुमेर ने तो अपनी आंखों से देखा था और घर आकर मैं एक भाई साहब और कमल को बताया था, पर वो दोनों तो ऐसे छुप रहे कि घर में किसी को कानो कान हवा तक न लगने दी। चंचल, मैं थारी बात सुन रहा हूँ उसका मतलब ये ना समझ कि तू जो चाहे बोले और मैं उसे मान लूं। मेघ और कमल पर लालछन लगा रही है तू, अपनी जबान पर लगाम लगा। अपनी जबान पर लगाम लगा रखी है इसीलिए तो आज तक आपको बताया ना कि मैंने मुमल को फोन पर बात करते हुए पकड़ लिया था। मारे को तो उसने रॉन्ग नंबर कहकर समझा दिया था, पर अब लगे कि जरूर वही छोरा होगा। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस छोरी के चेहरे का रंग उड़ गया था। जब मैं ये देख सकूं, मैं ये समझ सकूं तो क्या उसकी माँ ना देख सके, उसका भाई ना समझ सके? इसमें उन दोनों का कोई दोष ना है। मेघ के सोग में वो दोनों बेचारे अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे। इसी बात का तो फायदा उठाया उस छोरी ने। हमारी बात तो सबको कर दी जाके आपकी माँ ने आपके वास्ते भेजा है और ये लाने में तो तुम्हें बहुत खुशी हो रही होगी ना। मैंने क्या किया है? नजर लगाई है मेरे और मोहित के प्यार पर। जब से तुम्हारा साया हमारी जिंदगी में पड़ा है ना, उसी दिन से मैं समझ गई कि तुम्हारी मनहूसियत हमारे प्यार को कहीं का नहीं छोड़ेगी। मेरी शादी मोहित से नहीं हो रही है और मुझे दिल्ली भेजा जा रहा है सब तुम्हारी वजह से। पर मैंने आपके और मोहित के बारे में किसी को कुछ ना बताया है। हमारे लिए तो जैसे हमारी रसाल है वैसे ही आप हैं। मैं आपकी खुशी से क्यों चलूंगी? अगर तुम सच में मुझे रसाल की तरह समझती हो तो मेरा एक काम कर दो, मोहित तक ये संदेशा पहुंचा दो कि मुझे दिल्ली भेजा जा रहा है। कुछ दिनों पहले मैंने मुमल को उसी छोरे से फोन पर बात करते हुए सुन लिया।
जे मैं उसी समय ठाकुर साहब को सब बता देती तो हाथ इतनी आगे ना बढ़ती। पर मारे को मुंबल पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने आपका अपमान किया था। थारे को इस खानदान का भला सोचते देख घना संतोष हो रहा है मन को। सच कहूं तो मारे को मोमल पर बड़ी दया आवे है। क्यों जी जी? रसाल मोमल सचमुच उस छोरे से प्रेम करे है और वो छोरा भी। आप मिले हो उस छोरे से? हाँ मैं मिली हूँ मोहित से अठे ही इसी हवेली में जब वो सबसे छुपकर मुमल से मिलने आया करता था। सच कहूँ रसाल तो भारी को छोरे में कोई खोट ना लगा। मन का भी घना साफ लगा छोरा। ऐसी बात थी तो अपने मारे को क्यों ना बताया? अगर बताती तो मुझसे बदला कैसे लेती है? ऐसी बात ना है ठाकुर साहब। वो तो मुमल ने मारे को बस मुमल का नाम लेकर झूठ मत बोलो। तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया है रुक्मी। तुम अच्छी तरह जानती थी कि उस लड़के के साथ हम मुमल की शादी कभी नहीं कराएंगे। तुमसे दूसरों की खुशियां बर्दाश्त होती ही नहीं है। इतनी कड़वाहट भर गई है तुम्हारे अंदर कि किसी और का अच्छा तुम सोच ही नहीं सकती। और तुम प्यार की बात करती हो? अरे तुम क्या जानती हो प्यार के मायने? तो तुम ये फैसला लेने चली हो कि वो लड़का मुमल के लिए ठीक है या नहीं। कितना फर्क है तुम दोनों बहनों। एक तुम जिसने मेरी जिंदगी से सारी खुशियां छीन ली थी और एक तुम्हारी बहन रसाल जिसने मेरे लिए अपनी सारी खुशियां छोड़ दी। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी, ना मेरी बहन मुमल के खिलाफ और ना मेरी पत्नी रसाल के खिलाफ। क्योंकि अब रसाल भी तुम्हारा साथ नहीं देगी और अगर मुझ पर विश्वास ना हो तो पूछ लो अपनी बहन रसाल से।